कल हमने प्रिजुडाइज के बारे में पढ़ा था, केस स्टडी देखी थी, आज का जो टॉपिक हमारा स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है। अब हमें मालूम है जो डाइवर्सिटी है वो किसी भी कंट्री का कल्चर बनाता है, डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री का कल्चर बनाता है, लेकिन जो डाइवर्सिटी में जो लोग रहते हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बर्ताव है, उनका जो व्यवहार है, वो एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जो डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी में अलग अलग पीपल मिलेंगे, अलग लोग मिलने वाले हैं, लेकिन जो उनका एटीट्यूड है वो एक चिंता का कारण है। कैसे चिंता का कारण है? दीज एटीट्यूड प्लेस ऑल द पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इनटू वन फिक्स्ड फ्रेम। ये जो एटीट्यूड है लोगों का वो क्या करता है कि जितना भी एक ग्रुप ऑफ एक पर्सन को एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम रख देते हैं। जैसे हमने वो स्टोरी पढ़ी थी लास्ट वाली, उसमें जो एक पर्सन आया था बाइक पे, बड़ा मतलब डार्क, उसका चेहरा डार्क था, ठीक है, और थोड़ा मूछें वगैरह थी, तो हमने उसको क्या बोल दिया था, हमने उसको डाकू बोल दिया था वहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक पर्सन को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया कि वो पर्सन को शक्ल देख के क्या बोल दिया, तो डाकू है। तो ये जो एटीट्यूड है ये गलत है, तो इसी एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द एटीट्यूड प्लेस ऑल द पर्सन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप इनटू अ फिक्स्ड फ्रेम एंड वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप एंड इमेज। हम एक पर्सन को एक ग्रुप में रख देते हैं और उस ग्रुप की एक इमेज बना लेते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टीरियोटाइप, अब स्टीरियोटाइप होता है क्या, ये समझने के लिए ये दो तीन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो करना क्या, बेसिकली आपको जो बुक है आपकी उसी प्रॉपर रीडिंग करो एक दो बार तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो वीडियो चल रहा है उसको एक मिनट देखेंगे, दो मिनट देखेंगे, सर समझ में नहीं आया। बेटा जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे दो से तीन बार तो समझ में कैसे आएगा आपको, है ना। तो स्टडी करना स्टार्ट करो, रेगुलर से वीडियो को देखा करो, ठीक है, डाउट है फिर डाउट पूछा करो। देन एग्जाम्पल देखते हैं स्टीरियोटाइप के। ऑल द गर्ल्स इन सुमन्स विलेज कुक, वॉश एंड डू द अदर हाउसहोल्ड जॉब बिकॉज इन हर सोसाइटी इट इज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू डू हाउसहोल्ड जॉब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि सुमन जो एक लड़की है उसके गाँव में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनका काम क्या है, कुक, खाना बनाना, वॉश, कपड़े धोना, बर्तन धोना और घर के सारे काम करना। अब यहाँ पे स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप का मतलब ये हुआ कि सुमन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, सुमन के साथ में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनका काम हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि लड़कियों का काम क्या है, खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना और घर के सारे काम करना। तो ये जो इमेज बना दी हमने लड़कियों की इसको स्टीरियोटाइप बोला जाएगा। अब यहाँ पर जो सुमन की विलेज है उसकी जो सोसाइटी है वहाँ पर ये माना जाता है लड़कियों का काम क्या है, घर के काम करना, घर की देखभाल करना। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, स्टीरियोटाइप का हो गया। दूसरा, श्वेता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स। अब एक लड़की है श्वेता, उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका टीचर जो है, उनके टीचर बोलते हैं, मैथ्स के जो टीचर हैं वो बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, कोई बात नहीं बेटा लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं। अब यहाँ पर क्या बना ली, फिर से इमेज बना ली, जो टीचर है श्वेता का उसकी इमेज, उन्होंने क्या इमेज बनाई कि लड़कियां मैथ्स में क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, लड़कियों को मैथ्स थोड़ी कम समझ में आती है। तो ये एक एग्जाम्पल किसका, स्टीरियोटाइप का। अगला बात कर लेते हैं, द स्टेटमेंट लाइक, अब एक स्टेटमेंट आता है बॉय डोंट क्राई। आपने सुना होगा दादा दादी से, नाना नानी से कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है दो तीन साल का, वो गिर गया तो क्या बोलते हैं, अरे लड़का हो के रो रहा है क्या, बॉय डोंट क्राई। ये हमने इमेज बना ली कि रोने का काम किसका है, लड़कियों का, ये गलत है ना। बॉय डोंट क्राई, रोने में तो कोई भी रो सकता है, जब चोट लगी तो हर कोई रोएगा, परेशान होगा तो हर कोई रोएगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, बॉय डू नॉट क्राई शो आर प्रिजुडाइज अबाउट द बॉय बींग स्ट्रॉन्ग एंड माचो एंड गर्ल्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। अब यहाँ पे एक इमेज बना ली, जो लड़का है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, माचो, यानी कि इसमें होता है कि पावरफुल है, बॉडी बिल्डर टाइप में, उसको रोना नहीं चाहिए। अब लड़कियों की इमेज जो बना ली वो बना ली सॉफ्ट, मतलब धीरे धीरे बात करने वाली हैं, ठीक है, सॉफ्ट होती हैं, वीक हैं, थोड़ी कमजोर होती हैं, ये इमेज बना ली, जबकि ये जो इमेज है पूरी तरह से गलत है। बॉय और गर्ल ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्राई कर सकते हैं, दोनों ही स्ट्रांग हो सकते हैं, है ना, दोनों ही सॉफ्ट आपके हो सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल थे ये किसके एग्जाम्पल थे, स्टीरियोटाइप के। उसके बाद हम समझते स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है, एग्जाम्पल देख लिए, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
इवन द ड्रेस ऑफ चिल्ड्रन हैव अ कलर स्टीरियोटाइप. हम बात करते हैं, ये तो हमने सोसाइटी में देख लिया, अब बात करते हैं कपड़ों की, ड्रेस की बात करते हैं. तो ड्रेस में भी कलर के हिसाब से हमने स्टीरियोटाइप इमेज बना ली. अब पिंक कलर जो कौन पहनेगा, लड़कियां पहनती हैं ज़्यादातर. रेड कलर कौन पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं. ये तो गलत है ना, कपड़े का कलर तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कलर के कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन हमने क्या बोल दिया, पिंक कलर किसका है, लड़कियों का है, रेड कलर किसका है, लड़कियों का, क्योंकि लड़कियां पिंक और रेड कलर ज़्यादा पहनती है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनका कलर हो जाएगा. ब्लू एंड ग्रीन फॉर बॉय, लड़कों के कलर क्या बता दिए, ब्लू और ग्रीन, यानी ब्लू और ग्रीन जो कलर है किसके हो गए, बॉयज के हो गए. तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, एक स्टीरियोटाइप बना दिया ड्रेस के बेसिस पर. ये तो क्या है, गलत है. सो इफ यू सी अ स्मॉल बेबी इन अ प्रैम्प इन अ पिंक ड्रेस, आप एक छोटे से बेबी को देखना, लड़की को देखना, एक दो साल की जो लड़की होगी, जनरली 60-70% उसके पास पिंक ड्रेस होने वाली है. कैसी ड्रेस होने वाली है, पिंक. और लड़के को देखोगे तो उसके पास ब्लू या फिर ग्रीन मिल जाएगी, और उस ड्रेस के हिसाब से आप बता दोगे तो लड़का है ये, लड़की है. क्यों, क्योंकि हमने एक इमेज बना ली कि लड़कियां क्या पहनती हैं, पिंक पहनती हैं, और लड़के क्या पहनते हैं, ब्लू या ग्रीन पहनते हैं. दिस इज वॉट स्टीरियोटाइप इज ऑल अबाउट. इसी को स्टीरियोटाइप बोलते हैं, यानी एक पर्सन से पूरी सोसाइटी की या पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन की इमेज बना लोगे, उसे स्टीरियोटाइप बोलते हैं. Some more example of stereotyping in a society are imagining people to be criminal just because they are poor. अब एक सबसे अच्छा stereotype का example ये है कि जो गरीब है वो चोर है, जो गरीब है वो चोर है. Society are imagining people to be criminal just because they are poor. हमने मान लिया कि कोई person अगर गरीब है तो वो criminal है, वो गलत काम कर सकता है. क्यों, क्योंकि वो गरीब है, और गरीबी को दूर करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए कोई भी क्राइम कर सकता है. तो ये जो इमेज है ये भी पूरी तरह से गलत है. हमने एक पर्सन को देखा कि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसने चोरी कर ली. तो ऐसे थोड़ी जिसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे वो चोरी करेगा. तो ये इमेज क्या है, गलत है. गर्ल चाइल्ड इन पिंक, बॉय चाइल्ड इन ब्लू, स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइस जॉइंटली अफेक्ट आवर थिंकिंग प्रोसेस. अब गर्ल जो पहनेगी पिंक पहनेगी, बॉय ब्लू पहनेगा, और स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइस दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो ये बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्शन आपका बन जाएगा, और सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा. मैनी अ टाइम वी बिहेव इन अ मैनर ड्यू टू सच इफेक्ट. और ज़्यादातर हम उन्हीं मैनर में, यानी जो प्रेजुडाइस है और जो स्टीरियोटाइप है, उन्हीं की तरह से बातें करते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. इवन थिंकिंग डेट वी आर हर्टिंग समवन फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर. और हमें मालूम है कि हम गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको करते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी सुधारनी होंगी. द इमेज विच इज फॉर्म इन आर माइंड इज बेस्ड एंड इनकरेक्ट. और जो इमेज हमारी माइंड में बनी है वो कैसी, इनकरेक्ट है. और विदाउट नोइंग द ट्रूथ, बिना सच जाने हमने वो इमेज बना ली है. वी लाफ क्रैक जॉक एट द अदर पर्सन विदाउट रियलाइजिंग डेट वी आर नॉट बिहेविंग इन अ सेंसिटिव सोशल मैनर. हम क्या करते हैं, लोगों को देखकर उनका मजाक बनाते हैं, उनके ऊपर चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, उनको बार बार नीचा दिखाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस पर्सन की सिचुएशन क्या होगी, ऐसा क्या कारण जिसके कारण वो पर्सन की कंडीशन इस तरह की बन गई है. There may not be any truth in this belief, and more so things have changed in the society. अब ये जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, prejudice वाले, stereotype वाले, इनमें कुछ सच नहीं है, कुछ भी ज़्यादातर सच नहीं होता है. लेकिन हमें क्या करना, हम करते क्या आ रहे हैं कि जो हमारे पुराने persons हैं, जो हमारे grandfather उन्होंने माना, वही चीज़ हम मानते हुए आ रहे हैं. लेकिन ये जो इमेज है ये हमें अब चेंज करनी पड़ेगी. तो पहले के लोग पढ़ते कम थे, एजुकेशन कम थी, लेकिन अब तो हम एजुकेशन ले रहे हैं. तो ये जो थिंकिंग है नेगेटिव वाले, इनको हमें अवॉइड करना है और सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाना रहने के लिए. देन अगला टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी. डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी सोसाइटी में बहुत देखने को मिलती है, भेदभाव देखने को मिल रहा है. ठीक है, हम लोगों को एक ही नज़र से नहीं देखते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले. डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइस. डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हम लोगों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, किसके बेसिस पर, प्रेजुडाइस थिंकिंग के बेसिस पर, कि हमने पहले से उनके बारे में कुछ थिंकिंग बना ली और उसके हिसाब से फिर हम उनके ऊपर अनफेयर ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं. डिस्क्रिमिनेशन अराइज व्हेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन पीपल. अब जो आता है डिस्क्रिमिनेशन वो कैसे आता है, जो भेदभाव आता है वो कैसे आता है, हम लोगों की क्लास देखकर, उनकी रेस देखकर, उनका रिलीजन देखकर,
कलर देखकर, जेंडर देखकर, कास्ट देखकर भेदभाव करने लग जाते हैं। क्लास मतलब हाई क्लास के हैं या लो क्लास के हैं, पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, काले हैं गोरे हैं, हिंदू हैं मुस्लिम हैं, ठीक है। कलर, कलर के बेसिस पर बात कर रहे हैं, जेंडर मेल है फीमेल है, कास्ट के अपर कास्ट के हैं लोअर कास्ट के हैं, तो इन सब के बेसिस पर हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, भेदभाव करने लग जाते हैं। Without regard to individual merit, prejudice arising out of diversity and lack of feeling of equality among the people can too lead to discrimination. अब यहाँ पे क्या रहा है, हमने prejudice thinking बना ली और एक हमारी diversity में जो thinking बना ली हमने prejudice वाली वो, और हम यहाँ पर एक mind में ये बात आ जाती है कि सभी लोग क्या है equal नहीं है, और हम सभी लोग जब equal नहीं है तो उनको equally treat भी हम नहीं करने वाले। Diversity, if it is not understood and appreciated, can be misunderstanding and become a source of discrimination. अगर हमने diversity को नहीं समझा, diversity का मतलब क्या, class, race, religion, color, gender, caste को नहीं समझा, तो हम क्या करेंगे, discrimination करने लग जाएंगे, और ये चीज़ क्या है, बहुत पूरी तरह से गलत है। Inequality की बात कर लेते हैं, तो inequality is a condition of being unequal. Inequality क्या होती है कि एक ऐसी condition जहाँ पर एक person दूसरे person में difference आ जाता है, एक person दूसरे person से अलग हो जाता है, उसको बोला जाए inequality, यानी ये दो person equal कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी caste अलग है, उनकी class अलग है, उनका religion अलग है, उनका gender अलग है, इस तरह से। तो हमने उनको अनइक्वल का स्टेटस दे दिया कि ये सोसाइटी में कैसे लोग हैं, ये अनइक्वल है और कभी भी सोसाइटी में हमारे बराबर नहीं आ सकते, ठीक है। उसके क्यों, मेन कारण क्या है, क्योंकि उन लोगों के पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है। हमने उनको रिसोर्स नहीं दी, हमने बोल दिया आप तो अनइक्वल हो, आप तो आप अनइक्वल हो, तो आपके साथ इनइक्वलिटी हम करेंगे और आपको सोसाइटी में आगे बढ़ने नहीं देंगे, और उनको सोसाइटी से बाहर भी कर दिया जाता है। देयर कैन बी सोशल इनइक्वलिटी अराइजिंग आउट ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम, और जो ये इनइक्वलिटी है ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले जो होता था अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ठीक है, तो अपर कास्ट के पर्सन जो होते थे उनके पास जमीन जायदाद बहुत होती थी, और लोअर कास्ट के पर्सन जो होते थे उनके खेतों में जाके काम कर रहे हैं। तो जो अपर कास्ट के पर्सन थे वो लोअर कास्ट के साथ करते क्या थे कि उनको कुएं से पानी भरने नहीं दे रहे हैं, जो गांव का जो कुआ जहाँ से पानी भरते हैं ना पीने का, वो पानी भरने नहीं दे रहे हैं, मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, ठीक है, सोसाइटी में कहीं फंक्शन वगैरह उसमें आने देते नहीं है, उनको पढ़ने लिखने नहीं देते। तो ये क्या है, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी का एग्जांपल है। तो ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। तो उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम कल पढ़ने वाले हैं।